पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 7 दिवसीय श्री महापुराण कथा का आयोजन किया गया। आयोजन के कथावाचक बाल व्यास कपिल देव मुनि जी महाराज रहे। कथा के मुख्य यजमान महेश अग्रवाल परिवार सहित उपस्थित रहे। इस अवसर पर कपिल मुनि जी ने कहा कि जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार के स्थान पर प्रकाश रूपी ज्ञान भर दे, वही सच्चा गुरु है। गुरु के बिना सफलता पाना संभव नहीं है, इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु का स्थान जरूर रखना चाहिए और गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं कपिल देव मुनि जी महाराज ने राधा नाम की महिमा का गुणगान किया, तो वहीं विष्णु पुराण का महत्व बताया। इस अवसर पर सुंदर भजनों का गायन किया गया और भक्त भक्ति रस में तल्लीन हो उठे। अर्थात बोले जो हमारे जीवन में से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, वो है गुरु। प्रेम से उन्होंने जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़ी बात है, बड़ी महिमा है। अब राधा नाम की क्या महिमा है, सभी प्रेम से सुनिए। कि राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। राधा नाम लेने से मानो कोटि जन्म की, एक नहीं दो नहीं करोड़ों जन्म की आपत्ति विपत्ति और जितने भी दोष पाप होते बोले सब श्री राधा नाम से जाएं। श्री राधा नाम का उच्चारण करते ही सब नष्ट हो जाते हैं। सब प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदे सर्वत्र। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। और जब भागवत का श्रवण किया तो भागवत श्रवण करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि सृष्टि करनी चाहिए। लेकिन सृष्टि करें तो सृष्टि करने के बाद जो सृष्टि होगी, जो संतान उत्पत्ति होगी, उन संतानों को ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं रखूंगा था पालूंगा था, पृथ्वी तो जन्मन है। और जब पृथ्वी जन्मन है तो फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ सकती है। मैं भी स्वयं कमल के फूल पर भगवान की नाभि से उत्पत्त कमल के फूल पर विराजमान हूं, तो मैं जो सृष्टि करूंगा वो संतान होगी, वो क्या करेगी, कहां रहेगी, क्या खाएगी। तो भगवान से प्रार्थना की, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने प्रभु मैं सृष्टि करने को तो तैयार हूं, परंतु मैं पृथ्वी के अभाव में उनका पालन पोषण और अन्य सृष्टि कैसे करूंगा। तीन प्रकार की सृष्टि हुई, देवताओं की, देवताओं की उत्पत्ति हुई है, फिर हुई मनुष्यों की, और फिर जो अन्य जीव जंतु है उनकी। सो महाराज ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की भगवान की, प्रार्थना की भगवान से, प्रभु अब आप कुछ कीजिए। सो महाराज उसी क्षण उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से छोटा सा कीड़ा निकला, जो पल में देखते ही देखते ही देखते ही देखते हाथी के बराबर हो गया। आज भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान ने 12 के रूप में अवतार लिया। पूरी 12 भगवान की, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों में दूसरा अवतार है 12 अवतार। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।